हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब आप कोई नया फेसबुक आईडी बनाता है या फिर ओल्डी है और वो आईडी फोटो सेल्फ पे चला जाता है, आपके सामने सिक्योर ऑप्शंस आता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करें, वो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, जब आपके सामने सिक्योर ऑप्शंस आता है तो आप अपनी आईडी को मोबाइल नंबर के द्वारा ओपन कर सकते हैं 2 मिनट में बड़ी आसान तरीके से। दोस्तों, ये ट्रिक बिना प्रॉक्सी का मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉक्सी लगा के यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा अभी फ्रांस की प्रॉक्सी वर्किंग है इस ट्रिक के लिए। फ़िलहाल मैं बिना प्रॉक्सी का ही आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी फेसबुक आईडी को किसी भी ब्राउज़र पर ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट योर अकाउंट इज़ सिक्योर, और नीचे ऑप्शन आएगा सिक्योर अकाउंट। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों, अब आपको नया टैब ओपन करना है उसी ब्राउज़र में और सर्च करना है प्रॉक्सी वेब आईडी। इसको आप सर्च कीजिए गूगल में। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने एक साइट ओपन होगा, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए नीचे प्रॉक्सी वेब आईडी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक सर्च ऑप्शन से इस पर लिखना है m.facebook.com और उसके बाद गो में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गो में क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू एनी वे पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर FB ID लॉगिन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये इंडोनेशिया प्रॉक्सी पर ही वेबसाइट है, तो यहाँ पर सारा सब कुछ आपको इंडोनेशिया पे मिलेगा, तो आप लैंग्वेज में मिलेगा। तो आप जानते ही हैं कहाँ पर पहला ऑप्शन में ईमेल आईडी देना है, फिर पासवर्ड और फिर लॉगिन कर लेना है। तो देखिए, मैं अभी कर लेता हूँ और ये ब्लू कलर पर मसूक लिखा हुआ है, इस ये लॉगिन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा आईडी और पासवर्ड देने के बाद। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आईडी पासवर्ड देकर, आपके सामने फिर वैसा ही पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट आप इसको ऐसे ही रहने दें, आप किसी पर भी क्लिक मत कीजिएगा, 1 से 2 मिनट आप ऐसे ही इसको रख दें। उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट हो जाने के बाद आप इस पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, ब्राउज़र को ऊपर से रिफ्रेश ऑप्शंस पर क्लिक करके इस पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, आपके सामने फ़ोन नंबर का ऑप्शंस आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप इंडिया से हैं तो आप अपना कोई मोबाइल नंबर देखिए इस आईडी को ओपन कर सकते हैं। अगर आप फेक नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर फेक नंबर यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आप डेस्कटॉप वर्सन ओपन कर लीजिएगा या फिर फेसबुक का ऑफिशियल जो ऐप है उसको ओपन कर लीजिएगा। तो मैं अभी फेसबुक ऐप जो ऑफिशियली है वो ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर USA का नंबर सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, इसको मुझे फिर डेस्कटॉप वर्सन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने फेसबुक ऐप ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड देकर इसको लॉगिन करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास वही फ़ोन नंबर का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर मैं फेक नंबर यूज़ कर रहा हूँ USA का, तो मैं यहाँ पर कंट्री पहले चूज़ कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर इनपुट करके सेंड कोड पर क्लिक कर दीजिए।
दोस्तों देखिए, अभी मैं यहाँ पर मेरा कोड आ चुका है, तो मैं अभी यहाँ पर कोड सबमिट कर दूँगा। फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर थैंक यू लिखा होगा, यानी आपका जो आईडी है वो ओपन हो चुका है। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। नेट थोड़ा स्लो है, तो दोस्तों देखिए मेरी जो आईडी है वो ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस वेबसाइट के थ्रू बड़ी आसानी से फ़ोटो सेल पे गई हुई आईडी को सिक्योर पे बिना क्लिक किए आप फ़ोन नंबर के द्वारा 1-2 मिनट में बड़ी आसान तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं, वो भी बिना प्रॉक्सी लगाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये ट्रिक आपको कैसा लगा।